Hey everyone, welcome to Shom's IAS. I am Shivangi Sharma and here I am with second chapter of the history of class 11th as we were going on. So the first, we have done with the first chapter, and the second chapter is an empire across three continents. So simple, so there is no complication is the name of the chapter. So an empire across three continents. मतलब एक ऐसा साम्राज्य जो तीन कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, ठीक है. सो वट आर कॉन्टिनेंट्स? यू आर ऑल आर अवेयर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, राइट? सो एक ऐसा एम्पायर जो तीन कॉन्टिनेंट्स में फैला होगा. सो जस्ट इमेजिन कितना बड़ा एम्पायर वो होगा, ठीक है. सो कौन सा एम्पायर था? चलो सस्पेंस तोड़ते हैं. एंड द एम्पायर डेट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द रोमन एम्पायर, ठीक है. सो रोमन एम्पायर ने काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो कवर करके रखा है, इंक्लूडिंग जिसमें कौन कौन सी जगहें हैं, जिसमें है यूरोप, जिसको हम आज यूरोप बोलते हैं, अ लार्ज टाइप ऑफ फर्टाइल क्रिसेंट यानी कि एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है. सो ये वो जगहें हैं जो उस टाइम पे रोमन एम्पायर ने अपने अंडर कवर करके रखी थी, ठीक है. सो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि जब इतना बड़ा एम्पायर था तो इतने बड़े एम्पायर को कैसे कवर करके रखा, कैसे उसको ऑर्गेनाइज कैसे करके रखा था, ठीक है. और कैसी कैसी डेस्टिनी, कैसी कैसी जो है वो क्या क्या पॉलिटिकल फोर्सेस थी, क्या 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 चीज़ें थी, सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. हम यहाँ पे कल्चर, लैंग्वेजेस, सब कुछ, जैसे हम जब भी किसी एम्पायर के बारे में डिस्कस करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आती, वो सारी आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है. देखो जो रोमन हिस्ट्री है ना, वो देखो बहुत ही पुरानी, यहाँ पे हम टाइम की बात करने वाले हैं. ये अभी 200 या 300 साल पुरानी बातें नहीं है, ये काफ़ी साल पुरानी बातें हैं. विल डिस्कस इट, अभी सब कुछ पता चलेगा. सो इतनी पुरानी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना एक सस्पेंस तो है कि कैसे है. ऑफकोर्स आपको क्वेश्चन तो आया होगा कि इन्हें सारी चीज़ें, इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें हमें कैसे पता है, ठीक है. सो ये जो कलेक्शन है सोर्सेज का, इसको ऐसे तीन उसमें डिवाइड करा है, ठीक है. फर्स्ट इज टेक्स्ट, सेकेंड इज डॉक्यूमेंट्स एंड थर्ड इज मटीरियल रिमेन. देखो आप इतनी सिंपल चीज़ें हैं, कुछ इनमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है. सो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स और मटीरियल रिमेन्स, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है. टेक्स्ट है जो भी पुरानी चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे पुरानी चीज़ों को मेंशन करा गया, और मटेरियल रिमेन यानी ये जो पुरानी चीज़ें जो रह गई हैं अभी भी, उन्हीं की वजह से हमें पता चलता है इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है. सो उस टाइम पे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट ये इसका पार्ट, एशिया का पार्ट, ओके. सो मिडल ईस्ट अ पार्ट ऑफ एशिया, ठीक है. सो उस टाइम पे ना दो बहुत ही पावरफुल एम्पायर्स थे. एक तो हमने अभी बता दिया रोमन एम्पायर, बट एक और एम्पायर था जो कि इसी तरीके से काफ़ी फैला हुआ था, डेट वॉज ईरान, ठीक है. सो ये जो टाइम है ना, ये जीजस क्रिस्ट और अर्ली सेवेंथ सेंचुरी के बीच का टाइम है, ठीक है. सो हम बात बोल सकते हैं 630s का टाइम है ये, ठीक है. सो रोमन ईरान, सो जो रोमन्स थे और जो ईरानियंस थे वो ना राइवल्स थे, यानी कि दुश्मन थे वो, उनकी आपस में बनती नहीं थी, ठीक है. शुरू से ही हिस्ट्री में ही अगर हम देखें तो शुरू से ही इनका जो है आपस में बनता नहीं है, लड़ाई करती रहती थी, ठीक है. जो एम्पायर्स थे वो यही चाह रहे थे कि हम इनको ओवरकम कर ले, ठीक है. और ये जो दो एम्पायर्स है ना, मजे की बात ये है कि ये दो जो एम्पायर को जब जो इनका सेपरेट किया गया था, सो बीच में सिर्फ एक पतली सी लैंड का एक स्ट्रिप है, ठीक है, जो कि रिवर यूफ्रेट्स के साथ चलता है. रिवर यूफ्रेट, किस किस को याद आया यूफ्रेट रिवर के बारे में, हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस करा था, राइट. सो हाँ, ठीक है. इतना छोटा सा पतला सा लैंड है जो कि ये रिवर है तो ये वो लैंड का पार्ट है, उसके साथ साथ ही चलता है, ठीक है. और इसी ने जो है डिवाइड करा है रोमन एम्पायर और इसको ईरान को, ठीक है. सो इस चैप्टर में हम बेसिकली इस चैप्टर में बेसिकली हम रोम को ही डिस्कस करने वाले हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम ईरान के को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा थोड़ा उनको भी देख लेंगे, ठीक है. सो पहले हम देख लेते हैं कि रोम का कैसा है इलाका, ठीक है. सो अगर हम मैप में देखें, सो जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट यूरोप,
एंड अफ्रीका, ये जब सेपरेट किया गया है, सो ये एक मतलब जो स्पेन और मतलब अगर हम स्पेन में देखें, ठीक है, स्पेन वेस्ट में और सीरिया ईस्ट में, राइट? सो यही जगह है और सी स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है? तो रोम जो है इस मेडिटेरियन, जो ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है, मेडिटेरियन जो सी है उसका मतलब डोमिनेंस जो है मेडिटेरियन सी उस टाइम रोमन एम्पायर के अंडर आया करता था, ठीक है? और हाँ, और जो मेडिटेरियन सी है उसको रोम एम्पायर का दिल यानी कि रोमन एम्पायर का हर्ट बोला जाता था, ठीक है? अगर हम देखें तो मेडिटेरियन सी का, मेडिटेरियन सी साउथ के लिए है, ठीक है? यहाँ पे देखो रोम इधर है, ये रोम के साउथ में है, ठीक है? और अगर हम बाकी और डायरेक्शन में देखें, नॉर्थ में जो बाउंड्रीज हैं वो दो मतलब दो काफ़ी बड़े बड़े रिवर्स ने जो है वो एम्पायर को बाउंड्रीज दी है, जो है राइन और दनूबे। ये है रिवर राइन और ये है रिवर दनूबे, ठीक है? और साउथ में देखें हम तो आता है हमारा डेजर्ट सहारा। सहारा डेजर्ट के बारे में हम सारे जानते हैं, विच इज़ द हॉटेस्ट डेजर्ट एंड द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है? ये टेरिटरी इसी के अंदर थी। ईरान उस टाइम पे कैस्पियन सी का एरिया जो है वो ईरान के अंडर आया करता था। हमारे पास मैप में कैस्पियन सी नहीं है, दिख रहा है हमें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कैस्पियन सी जो है वो ईरान के अंडर आया करता था, ठीक है? समटाइम्स मतलब अफगानिस्तान का जो बहुत ही मतलब बड़ा पार्ट है वो भी उस टाइम पे ईरान के अंडर आया करता था। और ये जो सुपर पावर्स थी दो, ये वर्ल्ड की मतलब एक मतलब जब इनको डिवाइड किया गया था, ये वर्ल्ड मतलब चाइनीज़ का जो ताज चिन्ह है यानी कि ग्रेटर चिन रफली द वेस्ट, वहाँ से इसको जो है वो डिवाइड किया गया था, ठीक है? द अर्ली एम्पायर। देखो रोमन एम्पायर को ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है टाइम पीरियड की, उसमें दो टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है, बट वन इज अर्ली एंड अदर इज लेट, ठीक है? ये अर्ली और लेट को डिवाइड करने के लिए बीच में आती है थर्ड सेंचुरी। थर्ड सेंचुरी यानी कि 300 वाला साल, ठीक है? 300 300 से लेके 399 वाला टाइम, ठीक है, वो वाला टाइम मतलब थर्ड आई एम वेरी सॉरी, मतलब 200 से 299 वाला टाइम वो जो है वो थर्ड से थर्ड सेंचुरी थी, ठीक है? थर्ड सेंचुरी से पहले का जो टाइम था वो अर्ली एम्पायर था, और थर्ड सेंचुरी के बाद का जो टाइम था वो लेट एम्पायर था, ठीक है? हाँ, पूरे पीरियड को डिवाइड किया गया है एक चीज़ से, डैट इज़ द थर्ड सेंचुरी। ये जो भी दो सुपर पावर्स थी ना, इनमें जो एक बहुत ही मेजर डिफरेंस था जो आपको देखने को मिलेगा वो था कि रोमन एम्पायर ना काफ़ी डाइवर्स था, मतलब कल्चरली काफ़ी डाइवर्स था, बट कि जबकि ईरान इतना डाइवर्स नहीं था। देखो जो पार्थियंस थे और जो ससानियंस थे जिन्होंने ईरान के ऊपर रूल किया कुछ टाइम पीरियड में, ठीक है, इन्होंने ना ऐसी पॉपुलेशन के ऊपर राज किया जो कि ईरानियन ही थी, मतलब ईरान में ईरानियंस ही थे मैक्सिमम, और बहुत ही मतलब इतना डाइवर्स नहीं था, बहुत ही मतलब बिल्कुल भी डाइवर्स नहीं था ईरान, जबकि रोमा जो रोमन एम्पायर है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स था, ठीक है? रोमन एम्पायर में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, बट पोप जैसे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज होगा तो लेटिन और ग्रीक को जो है मतलब वो लैंग्वेज बना दिया गया था। जैसे इंडिया में देखें, हम इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस और बहुत सारे डायलैक्ट्स हैं, बट जब भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम आता है या फिर कोई भी अब ऑफिशियल लैंग्वेज होनी होती है तो वो हिंदी या इंग्लिश होती है, राइट? इन दो लैंग्वेज का हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पर लेटिन और ग्रीक को बोला जाता था, ठीक है? ईस्ट जो ईस्ट था जगह का, उधर जो अपर कास्ट के लोग हैं वहाँ पर वो ग्रीक लैंग्वेज बोला करते थे, और जबकि वेस्ट के जो अपर कास्ट के लोग थे वो लैटिन लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे, ठीक है? जो रिजीम है वो एस्टेब्लिश किया गया अगस्तस के द्वारा, जो कि फर्स्ट एम्परर थे, ठीक है, 27 BCE पे, ठीक है, 27 BCE में जो है वो फर्स्ट एम्परर बने, और उस टाइम को उन्होंने प्रिंसिपेट बोला, ठीक है? अगस्तस जो थे वो सिंगल रूलर थे, ठीक है, बट उन्होंने अथॉरिटी का मतलब उन्होंने पूरा ऐसे
खुद को राजा नहीं बनाया। जैसे कि आप देखोगे, आपने सुना होगा, मतलब जब भी हमने हिस्ट्री पढ़ी, कि जो राजा होता था ना, वो खुद को मतलब सुप्रीम पावर वो हो जाता था और वो सभी से अलग होता था। बट ईरान में, सॉरी रोम, इसमें रोम में शुरू शुरू में ऐसा नहीं हुआ। जो रूलर थे उन्होंने खुद को ऐसे राजा नहीं बनाया, उन्होंने खुद को एक लीडिंग सिटीजन बनाया। उन्होंने ये बोला कि हम भी एक नॉर्मल सिटीजन है आप लोगों की तरह, बस हम लीडर हैं। ठीक है, मतलब उनको कोई अब्सोल्यूट पावर नहीं दिया गया। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि वो जो सेनेट है उनको रिस्पेक्ट देना चाहते थे। अब सेनेट क्या होते हैं? सो देखो, रोम पहले एक रिपब्लिक था। ठीक है, सो रिपब्लिक के टाइम पे जो सेनेट थे उन्होंने रोम में कई सौ सालों तक राज करा था। ठीक है, और अभी भी, अब जो सीनेट है वो अभी भी हैं एज द बॉडी रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटिंग द अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी क्या होती है? अरिस्टोक्रेसी इज द फैमिली बिलोंगिंग टू द किंग्स एंड क्वींस। ठीक है, सो अरिस्टोक्रेसी को सपो को रिस्पेक्ट देने के लिए ये सब कुछ किया गया। ठीक है, और ये सबसे वेल्दीएस्ट फैमिलीज थी रोमन की। ठीक है, लेटर जो इटालियन डिसेंट थे और काफ़ी लैंड ओनर्स थे वो भी इन्हीं में इंक्लूड हो गए थे। ठीक है, जो रोमन हिस्ट्रीज थी वो सरवाइव हुई ग्रीक और लैटिन में, जो कि लोगों ने लिखा सेनेटोरियल बैकग्राउंड से। मतलब ये जो सेनेट थे ये क्या करते थे ना, ये इन चीज़ों को लिखा करते थे। ठीक है, सो अब ये किंग्स और क्वींस के बारे में लिखा तो करते थे, बट लिखने का ना इनका एक, ये ना काफ़ी बायस थे। मैं आप बोलोगे कि बायस क्यों थे, बिकॉज जो किंग इनके साथ अच्छा बिहेव करते थे, ठीक है, जो इनको साथ गुड बिहेव किया करते थे उनके बारे में अच्छी ही चीज़ें लिखी जाती थी। ठीक है, और जो इनको रिस्पेक्ट नहीं दिए जा नहीं देते थे, जो इनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, जो इनके साथ बुरा बिहेव किया करते थे, उन लोगों के बारे में बुरी चीज़ें ही लिखी गई। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू देम जो चीज़ें उन्होंने लिखी, जो सबसे बुरा राजा है, जो सबसे वर्स्ट किंग है, वो वही है जिन्होंने सेनेटोरियल क्लासेस के साथ हॉस्टाइल तरीके से बिहेव करा, हॉस्टाइल तरीके से बिहेव किया, मतलब वायलेंस ब्रूचुअली, और मतलब बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं, जिन्होंने मारपीट वगैरह करी। ठीक है, सो एम्परर और सेनेट, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। सो एक तो एम्परर होता है और एक थे सेनेट, बट इनके बाद जो थे डैट वर आर्मी, आर्मी की भी काफ़ी ज़्यादा पावर थी। ठीक है, देखो अगर हम पर्शियन एम्पायर की जो मतलब जो पर्शियन एम्पायर है वहाँ की जो आर्मी थी ना, वो कंस्क्रिप्टेड आर्मी थी। कंस्क्रिप्टेड मतलब ज़बरदस्ती लोगों को बोला गया कि तुम आर्मी में जाओ, तुम आर्मी में जाओ, तुम भी आर्मी में जाओ, तुम भी आर्मी में जाओ। इट वॉज लाइक ये ज़बरदस्ती किया गया, बट इधर ऐसा नहीं था। जो रोमन्स थे उनको आर्मी में प्रोफेशनल लोग वो रखा करते थे, और जो उसमें जाता था वो एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ सर्विस उनको देता था। ठीक है, और उधर आर्मी में ज्वाइन करना, आर्मी में काम करना एक बहुत ही गर्व की बात माना जाता था। ठीक है, उनको पे किया जाता था, बदले में उनको फीस दी जाती थी। ठीक है, सो आर्मी जो लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी थी एम्पायर में। ठीक है, सो उस टाइम पे 6 लाख, मतलब 4th सेंचुरी में अराउंड 6 लाख जो लोग जो है वो आर्मी में ही, मतलब आर्मी में ही वो थे। ठीक है, सो इधर पर जो शोल्डर्स थे यानी कि जो सिपाही थे उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। ठीक है, सो आर्मी का भी यहाँ पे जो पिक्चर है वो भी सेनेट ही लिखते थे, सेनेट ही उनके बारे में बताते थे। ठीक है, बट जो सेनेट्स थे उनको कहीं ना कहीं डर लगता था, और उनको बिल्कुल भी पसंद भी नहीं थे जो आर्मी के लोग थे। क्यों? क्योंकि इनका ऐसा लगता था कि ये जो आर्मी के लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट होते हैं, और इनका क्या पता चला कब इन्होंने मन करा और हमें हमारी पोजिशन से इन्होंने हटा दिया। सो बेसिकली वो मतलब वो बोलते हैं ये बिल्कुल भी अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब इनका पता नहीं कब मन करे और ये कब लिखते, कुछ कुछ भी करते। ठीक है, सो समरी में हमें ये पता चल गया कि अरिस्टो जो तीन मेन प्लेयर्स थे डैट वर, सबसे पहले एम्परर, देन द अरिस्टोक्रेसी यानी कि राजा के परिवार से बिलोंग करने वाले लोग, एंड देन द आर्मी। ठीक है, ये तीन जो है ये मेन प्लेयर्स थे। ठीक है, सो किसी भी इंडिविजुअल जो भी मतलब कोई एक वो होता है, मतलब किंग होता है, सो किसी भी पर्टिकुलर किंग की अगर हमें पावर को या फिर मतलब सक्सेस को अगर हमें डिपिक्ट करना है या गेस करना है, सो उसके लिए
बहुत जरूरी है कि आर्मी स्ट्रांग है. अगर आर्मी स्ट्रांग है तो किंग अपने आप स्ट्रांग है, अगर आर्मी ठीक नहीं है तो किंग भी वीक है, राइट. इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब आर्मी का ज्यादा ही कंट्रोल चला जाता था तो लोग सिविल वॉर करना शुरू कर देते थे, ठीक है. और जो आर्मी के लोग थे वो भी ऐसा बोलते थे कि मतलब हमें भी थोड़ा इसके लिए ज़्यादा पैसे दो, ज़्यादा हमें पे दो. तब उसका वो भी कारण था कि सिविल वॉर हुआ करता था, ठीक है. अब देखो ये जो टाइम था ना, ये बहुत ही मतलब अच्छा सा टाइम था. कोई भी लड़ाई नहीं, कोई भी कुछ नहीं, बहुत ही शांति का जो है ये टाइम हुआ करता था, ठीक है. देखो जो भी हमने अभी तक डिस्कस करा, अभी तक हमने कहीं नहीं देखा कि एम्पायर चेंज हुआ हो या लड़ाई हुई हो. सब कुछ बहुत ही बेसिक था, कुछ भी कहीं कुछ नहीं चेंज हो रहा था, और ये सब कुछ हो रहा था राजा अगस्तस के अंडर, ठीक है. बट क्या होता है, एक नोटोरियस ईयर आता है, एक बहुत ही अनपॉपुलर सा ईयर आता है, डैट वॉज 69 CE, जब चार एम्परर एक ही साल के अंदर अंदर थ्रोन में बैठते हैं, समझ रहे हो. एक ही साल के अंदर अंदर मतलब एक ही साल में चार चार राजे चेंज हो रहे हैं, ऐसा कैसे. देखो जो फर्स्ट टू सेंचुरी थी ना, वो फ्री थी किसी भी टाइप के सिविल, किसी भी सिविल वॉर, मतलब इस टाइम पे सब कुछ स्टेबल था, कुछ भी ऐसी लड़ाई वगैरह कुछ नहीं चल रहा था, ठीक है. जो सक्सेशन थ्रोन में जो बैठने वाला था वो ऐसे ही हो रहा था, सक्सेसर की ये बैठ गया, सो उसके आने वाले जो है बेटा बैठेगा, ठीक है. वो जो बेटा है वो नेचुरल भी हो सकता था और अडॉप्टेड भी हो सकता था, मतलब अपना बच्चा भी हो सकता था और अडॉप्ट किया हुआ बच्चा भी हो सकता था, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो टिबेरियस थे वो रोमन एम्पायर के दूसरे राजा थे, ठीक है, जो कि अगस्तस के असली बेटे नहीं थे, वो अगस्तस के अडॉप्टेड सन थे, बिकॉज अगस्तस का कोई बच्चा नहीं था. उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट करा ताकि जो ट्रांजिशन है वो स्मूथली चलता रहे, ठीक है. जब तक अगस्तस का राज चल रहा था तब तक सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सिंपली चल रहा था, ठीक है, कुछ टेंशन नहीं थी. टिबरिस के बाद, जो अगस्त के बाद अगस्तस के पास क्योंकि टिबरिस बैठे थे, ठीक है, प्रस टिबेरियस ने सोचा कि अब ना जो जो पहले के राजा थे यानी कि अगस्त, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एरिया में एक्सपेंशन कर लिया था, कोई और एक्सपेंशन करना अननेसेसरी होगा. उन्होंने बोला कि क्योंकि अगस्त जो अगस्टन एज थी वो काफ़ी पीसफुल जगह रही थी, राइट, और मतलब ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह नहीं हुई थी, ठीक है. उसके बाद जो उनके बेटे आए यानी कि त्राजन, त्राजन ने बोला कि हम तो एक्सपेंशन करेंगे. उन्होंने यूफ्रेट जो नदी है उसको भी, उसकी टेरिटरी को उन्होंने अपने अंडर जो है वो अपने अंडर कर लिया, ठीक है. बट दिस वॉज फ्रूटलेस, ये जो उन्होंने करा ये ना फ्रूटलेस था, इसका कोई फल नहीं निकल करके आया, बिकॉज उनके जो सक्सेसर थे ना उन्होंने ये छोड़ दिया, इसको अबेंडन कर दिया, क्योंकि मतलब कौन इतनी दूर दूर तक जगह कवर कर सकता था, राइट. दिस वॉज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, तो लोगों ने वो तो जो उनके सक्सेसेस थे उन्होंने आगे उस चीज़ को नहीं लिया, ठीक है. इस टाइम पे दिख रहा था कि जो होल सीरीज है मतलब काफ़ी ऐसे डिपेंडेंट किंगडम्स थे. अब डिपेंडेंट किंगडम्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट किंगडम्स कुछ ऐसे डिपेंडेंट किंगडम्स थे जो कि रोमन प्रोविंशियल टेरिटरी में डिपेंडेंट थे. मतलब एक ऐसे किंगडम मान लो जो कि है तो अपने किंगडम्स बट वो डिपेंडेंट रोमन के ऊपर ही थे, ठीक है, रोम के ऊपर ही थे. और नियर ईस्ट में भी ऐसे बहुत सारे किंगडम्स थे, ठीक है. अर्ली सेकेंड सेंचुरी में ये यूफ्रिट्स की तरफ आ गए, ठीक है, टुवर्ड रोमन टेरिटरी. और बिकॉज क्या हुआ फिर, ये जो भी छोटे छोटे किंगडम्स थे इनको रोम ने अपने अंडर कर लिया और ये सारे जो है वो गायब हो गए, ठीक है. ये जो किंगडम्स है ना ये काफ़ी वेल्दी थे कुछ में से. ऐसे जैसे एक एग्जांपल है हीरोड्स किंगडम, वो लगभग 5.4 मिलियन देनारी उनके पास पर ईयर आया करता था. मतलब देनारी क्या होता है उससे अच्छा आप ये समझ लो कि पर साल उनके पास 125,000 किलोग्राम गोल्ड आया करता था, यानी कि 1,25,000 गोल्ड पर ईयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है. इनफैक्ट इटली के अलावा इनको सेंचुरीज तक कोई प्रोविंस नहीं कंसीडर किया गया था, ये सारी टेरिटरी जो है ये
मतलब इनको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि इनकी, क्योंकि ये रोम प्रोविंसेस के अंदर ही आते थे, ठीक है, सो इनको प्रोविंसेस में जो इनको वो कर डिवाइड कर दिया गया, और ताकि इनसे जो इजीली टैक्सेशन कर दिया जाए, ठीक है। सो अब इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा वो, उन सभी का एक ही राजा हुआ करता था, वो टैक्सेशन भी करता था, तो ये सब कुछ कैसे होता था इतना इजीली? सो इसका आंसर है अर्बनाइजेशन ऑफ द एम्पायर। देखो हम पढ़ते हैं, जो ग्रेट अर्बन सेंटर था वो मेडिटेरियन सी का शोर था, जैसे कि कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटिक, इनमें से सबसे बड़े बड़े ये थे, ठीक है, जो कि ट्रू बेडरॉक थे एम्पीरियल सिस्टम के। मतलब इसमें जो सिटीज थी गवर्नमेंट की, वो मतलब जो सिटीज थी उनसे गवर्नमेंट टैक्स ले सकती थी, और ये सिटीज जो है ये छोटे छोटे जो कंट्री साइड यानी कि विलेजेस है उनको कवर किया करती थी, ठीक है। सो मतलब सिटीज उनसे जो है वो टैक्स ले लेती थी, और अपना टैक्स मिला के फिर वो गवर्नमेंट उनसे ले लिया करती थी, ठीक है। सो जो सिटीज हैं वो विलेजेस को कवर करती थी, बट कोई सिटी दूसरी सिटी को नहीं कवर करती थी, सिटीज के अंदर के आते थे हमेशा विलेजेस ही आते थे, ठीक है। इसका मतलब है कि जो लोकल अपर क्लासेस है वो कोलेबरेट करने लग गए थे रोमन स्टेट्स के साथ, ठीक है, क्योंकि वो लोग चाह रहे थे कि वेल्थ बने एम्पायर का, तो जो भी बड़े बड़े वेल्थ जो अपर कास्ट के लोग थे वो रोमन स्टेट का जो उन्होंने हेल्प करनी शुरू कर दी, और उनमें टैक्स टैक्सेशन वगैरह उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इजी कर दिया था, ठीक है। सो लोगों को भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ रही थी। क्या हुआ, एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक शिफ्ट आया इटली की और प्रोविंसेस में, बिकॉज जो राजा थे उन्होंने अब बोला कि अब हम इनका सपोर्ट करते हैं, राइट। सो उन्होंने जो भी सेनेटर्स थे उनकी पावर को एक्सक्लूड कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, और सारे जो है वो जो भी रिच लोग थे उनका उन्होंने हेल्प करनी शुरू कर दी, ठीक है। सो समअप, जो लेट फर्स्ट था, लेट फर्स्ट, सेकेंड और अर्ली थर्ड सेंचुरीज था, वहाँ पे आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन को की पावर ज़्यादा बढ़ी और प्रोविंसेस वगैरह बन गए थे उस टाइम पे, ठीक है। बट जो इंडिविजुअल इटालियन ओरिजिन था वो अभी भी मतलब उसमें थर्ड सेंचुरी तक कभी भी कुछ कुछ सेनेट का जो है वो डोमिनेशन था, ठीक है, बिकॉज सेनेटर्स प्रोविंशियल जो है वो मतलब मेजोरिटी थी। बट बाद में जब जनरल डिक्लाइन आया इटली का एम्पायर में, चाहे वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, जिसकी वजह से नए एलिट्स और जो वेल्दियर और जो मोर और अर्बनाइज पार्ट्स थे मेडिटेरियन सी के, जैसे कि साउथ ऑफ स्पेन, अफ्रीका और ईस्ट, ये सारी फैल गए, ठीक है। रोमन सेंस की जो सिटी है वो अर्बन सेंटर था और मजिस्ट्रेट का, ठीक है। जो भी टेरिटरी थी जिसमें विलेजेस आती थी वो इसी ज्यूरिडिक्शन के अंडर आता था, ठीक है। जो एक सिटी थी वो टेरिटरी किसी और सिटी की नहीं हो सकती थी, बट विलेजेस जो है वो हमेशा उनके अंडर आ सकते थे, ठीक है। जब भी विलेजेस ग्रो कर जाते थे यानी कि सर्विसेज इजी हो जाती थी, तो उनको सिटीज़ बोल दिया जाता था, एंड वाइस वर्सा, यानी कि जब सिटीज़ में चीज़ें खराब होने लगती थी तो उनको विलेजेस बना देते थे, और जब विलेजेस में चीज़ें अच्छी होने लगती थी तो उनको ये बना देते थे, सिटीज़ बना दिया करते थे, ठीक है। अब ना पब्लिक बात, मतलब रोमन एम्पायर का ना एक बहुत ही ज़्यादा जो प्यारा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर फीचर है, डैट वॉज रोमन एम्पायर का, डैट वॉज पब्लिक बात, पब्लिक बात, ठीक है। और एक ऐसे ईरानियन रूलर थे जिन्होंने ये चीज़ करने की कॉपी करी, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि उस टाइम रोमन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था, बट लोगों ने ये चीज़ करने की कॉपी करी कि चलो, बट जो क्लर्जी थे ना, यानी कि जो भी चर्च के लोग थे, उन्होंने ना वो बहुत गुस्सा हो गए लोगों के ऊपर कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज वो पानी को एक सैक्रेड एलिमेंट मानते थे, और अगर पब्लिक बात हो गई तो हर कोई किसी भी टाइप का आदमी आके उसमें नहाने लगेगा, तो लोगों ने जो इसमें मना करा, ठीक है। जो अर्बन पॉपुलेशन है, उन्होंने जो अर्बन पॉपुलेशन थी ना वो एंटरटेनमेंट भी करती थी अपना, मतलब उन्होंने एंटरटेनमेंट में भी वो काफ़ी इंजॉय करती थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक कैलेंडर आता था, एक कैलेंडर है जिसकी वजह से हमें एक जो स्पेक्टिकुला होती है यानी कि जो शोज होते हैं उससे हमें ये पता चल रहा है कि उस कैलेंडर से कि साल में लगभग 176 डेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शोज या डिफरेंट डिफरेंट जो है इनमें फंक्शन वगैरह में वो निकाला करते थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट, ये मतलब जो इनका ये है खुद का एंटरटेनमेंट, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था लोगों के लिए, ठीक है। थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, सो
फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी ये पीस का टाइम था, ठीक है, शांति इस टाइम पे हो रही थी और इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी हो रहा था, ठीक है। बट जो थर्ड सेंचुरी है ना, वो इटर्नल स्ट्रेन का मेजर साइन बन करके आया। 20-30s के बाद जो एम्पायर थे उसमें मतलब बहुत सारी लड़ाइयाँ, मतलब जो रोम एम्पायर था उधर ना उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और डिफरेंट डिफरेंट जगह से उनमें इकट्ठे ही लोगों ने जो है वो अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो 15 साल के अंदर अंदर जो मतलब विद इन जस्ट 5 ईयर वर एक्सपेंडिंग रैपिडली बाय द डायरेक्शन ऑफ यूफ्रेट्स। एक बहुत ही फेमस रॉक्स इंस्क्रिप्शन है, वो इन 3 लैंग्वेजेस में था। शापुर वन जो कि ईरानियन रूलर है, वो क्लेम करते हैं कि रोम आर्मी ऑफ 60,000 उन्होंने हरा दिए थे उन्होंने, और एक जगह थी एंटियोक, वहाँ पर उन्होंने जो अपना राज बना दिया था। एंटियोक अभी हमने पढ़ा ऊपर, राइट। सो एक ऐसा रॉक इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे ये सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। मीनवाइल जो जर्मनिक ट्राइब्स हैं, ठीक है, वो भी अब मतलब राइन और जो दनूब फ्रंटियर है उधर उन्होंने मतलब उसके अगेंस्ट उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। और जो पीरियड था 2033 से लेकर 2080 का, वहाँ पे बहुत ही सारे इन्वेजन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ब्लैक सी स्ट्रेच हो जाता है टू द एल्प्स एंड सोदर्न जर्मनी, ठीक है। सो अब जो रोमन्स थे उन्होंने जो भी टेरिटरी दनूबो की साइड बनाई थी वो सारी उन्हें हटानी पड़ी, और जो एम्परर्स थे उस टाइम पे वो मतलब वो हार रहे थे बिकॉज ऑफ बारबेरियंस। सो बारबेरियंस वो लोग होते हैं जो उस जगह के हैं नहीं बट वहाँ पे अटैक करते रहते हैं और उन पे इन्वेड करते हैं, ठीक है। सो मतलब 47 ईयर में, यानी कि 47 ईयर्स में 25 एम्परर्स चेंज हो गए। मतलब मान लो अगर हम एक एवरेज एवरेज रेशियो निकाले तो एक राजा ने कम से कम 2 साल भी नहीं राज करा है, ठीक है। देखो, यही चीज़ है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि हाँ ये जो एम्पायर है वो काफ़ी बुरी सिचुएशन में था उस टाइम। अब हम देखते हैं जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर। देखो जो रोमन सोसाइटी है ना, वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा हुआ करती थी। मतलब जैसे जो जॉइंट फैमिली होती है उसका अपोजिट इज न्यूक्लियर फैमिली। जो जब बच्चा बड़ा हो जाता था तो अपने घर वालों के साथ नहीं रह के कहीं और रहता था, और जो एडल्ट ब्रदर्स थे यानी कि जो भी भाई लोग थे वो साथ में नहीं रहा करते थे, वो अलग अलग हो जाया करते थे। और कहीं पर जो स्लेव्स भी इंट्रोड्यूस होने लग गए फैमिलीज में, और रोमन्स को समझ आने लगा कि ठीक है हम दूसरे लोगों को मंगवा के काम कर सकते हैं, ठीक है। मैरिज जो एक टिपिकल फॉर्म था, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा नहीं था। वाइफ वे द वाइफ डिड नॉट ट्रांसफर टू द हस्बैंड अथॉरिटी। मतलब देखो ये क्या हुआ करता था कि वाइफ की जो भी जायदाद है यानी कि जो भी उसकी चीज़ें हैं वो उसके हस्बैंड की नहीं होती थी। जैसे जो डाउरी है, जो अगर अगर डायरेक्टली हस्बैंड को देते हैं तो अलग बात है, बट अब वुमेन की चीज़ जो है वो वुमेन की ही रहेगी, वो उसके फादर की नहीं होती है, ठीक है। और जो जब तक उसके फादर है और उसके फादर उसको जो दे देते हैं वो उसकी जो है प्राइमरी हायर होती है, यानी कि वो अपने फादर की जो जायदाद है उसका उस पर हक होता है। बट अगर फादर की डेथ हो जाती है तो जो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर है दैट इज वो वुमेन और उसके भाई बहन, ठीक है। इधर सब कुछ उसके पास जो है कंसिडरेबल लीगल राइट्स थे उसको, मतलब वो प्रॉपर्टी वगैरह ओ करने और मैनेजमेंट में उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। डिवोर्स बहुत ही इजी था, मतलब कुछ भी उनको करने की ज़रूरत नहीं होती थी, चाहे हस्बैंड हो वाइफ हो दोनों, ताकि जो है वो इसके डिवोर्स के लिए जो बात कर सकते थे, ठीक है। बस यहाँ पे जो चेंज था वो ये था कि जो मेल्स है उनकी शादी लेट 20s या अर्ली 30s तक हो जाती थी, और वुमेन्स की लेट टीन्स और अर्ली 20s में। यानी कि जो मर्द है यानी कि जो भी बॉयज़ थे उनकी शादी लेट 20s यानी कि 28, 29 और अर्ली 30s में, यानी कि 31, 32, 33 इस टाइम पे जो उनकी शादी हो दी कर दी जाती थी, जबकि जो वुमेन्स की है उनकी लेट टीन्स यानी कि 17, 18 और 21, 22 तक कर दी जाती थी, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ इक्वल नहीं था, जो वुमेन्स थी उनको काफ़ी मारपीट की जाती थी, काफ़ी लोग जो वुमेन्स को मारते थे यहाँ पर। और जो फादर था वो बेसिकली चिल्ड्रन का जो लीगल कंट्रोल है वो फादर के पास ही होगा और मदर के पास नहीं होगा। अब लिटरेसी देखो,
लिटरेसी हर एक जगह के अकॉर्डिंग अलग अलग थी। यहाँ पे जैसे इंडिया में कुछ जगह पे काफ़ी अच्छी स्टडी है, काफ़ी अच्छी लिटरेसी है, कुछ जगह पर नहीं है, राइट। सो वैसे ही हम देखें जो पॉम्पी की वॉल्स है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टीजमेंट या चीज़ें करी गई हैं। वैसे एक जो बहुत ही फनी सी ग्राफिटी हमें मिलती है जिसपे ऐसे लिखा गया है, वॉल एडमायर यू नोट कोलैप्सिंग इन रुइंस। मतलब वॉल यानी कि हे दीवार, मैं तुझे एडमायर करता हूँ कि तू अभी तक टूट के बर्बाद नहीं हुई, क्योंकि लोगों ने तेरे ऊपर इतनी बोरिंग बोरिंग चीज़ें लिखी हुई है, बट स्टिल तो अभी तक ठीक है। सो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। सो वहाँ पे भी जो अमीर लोग हैं वो जो स्टेट मैनेजर है वो उनकी उनको अच्छा पढ़ाई हो जाती थी, उनके वो जो गरीब लोग थे उनकी पढ़ाई जो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। लोग अलग अलग ड्रेस पहना करते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस बोला करते थे, अलग अलग खाना खाया करते थे, अलग अलग मतलब फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते थे, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल, ठीक है। उनका सेटलमेंट का पैटर्न सब कुछ जो है वो अलग अलग हुआ करता था, ठीक है। अरामिक जो है वो नियर ईस्ट में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट लैंग्वेज थी, और कॉप्टिक वो इजिप्ट, प्यूनिक, बर्बर और नॉर्थ अफ्रीका जैसी जगहों पे बोली जाती थी, ठीक है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्सपेंशन। जो एम्पायर था ना उसमें सबसे सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, हार्बर्स में, माइंस में, मतलब उनके पास सब कुछ था, उनके पास मतलब कमी नहीं थी किसी चीज़ की, जैसे हार्बर्स हो, माइंस हो, क्वेरीज हो, ब्रिक आर्ट्स हो, या ऑलिव ऑयल की फैक्ट्रीज हो। सो काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी चीज़ों की जो है ये लोग ट्रेड किया करते थे, जैसे वीट, वाइन, ऑलिव ऑयल, ठीक है। और बहुत ही मतलब खुद भी बहुत ही ह्यूज क्वान्टिटी में कंज्यूम करते थे, और इनकी जो है वो ट्रेड भी किया जाता था, ठीक है। और ये चीज़ें कहाँ से आती थी, ये बेसिकली स्पेन, गैलिक प्रोवेंसेस, नॉर्थ अफ्रीका और इजिप्ट और बाद में इटली जैसी जगहों से जो वो आया करती थी। देखो देखो जो लिक्विड है जैसे ये वाइन और ऑलिव ऑयल, उनका ना ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाता था। सो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक कंटेनर बनाया जाता था जिनका नाम था एम्फोरे, ठीक है। हमें कैसे पता, बिकॉज मोंटे टेस्कासियो रोम में एक जगह है जहाँ पे हमें 50 मिलियन से भी ज़्यादा ऐसे वैलेंस जो वेसल है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो स्पेनिश ओलिव ऑयल है वो बेसिकली एक कंटेनर के थ्रू कैरीड होता था, जिसको जिसका नाम था ड्रेसल 20। सो इसका नाम ड्रेसल 20 इसलिए है बिकॉज जिसने उसको बनाया था या ढूंढा था उसका नाम, उसके नाम के ऊपर बेसिकली ये नाम है, ठीक है। सो अब ना एक बात यहाँ पे याद रखना कि ये जो जगह है, हम भले ही पुरानी जगह के बारे में बात करें, एंशियंट टाइम के बारे में याद करें, बट ये नहीं सोचना कि ये बहुत ही बैकवर्ड या प्रिमिटिव जगह थी, ठीक है। कॉन्टेरली यहाँ पर ना पानी को कैसे यूज़ करना है, पानी से पावर कैसे बनानी है, मेडिटेरियन एज वेल एज द जो मिलिंग टेक्नोलॉजी है वहाँ पे पानी का कैसे यूज़ करना है, हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स, स्पेनिश गोल्ड, सिल्वर माइंस, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही थी। इवन जब जो ये गैंगेटिक इंडस्ट्रियल स्केल है वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में थी, ठीक है। सो विद द लेवल ऑफ आउटपुट कुड नॉट रीच अगेन टिल द 19th सेंचुरी, ठीक है। मतलब अभी तक 1700 सालों के बाद भी जो जितना उस टाइम पे वहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया जाता था आज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो इतना मतलब वहाँ पे जो कमर्शियल और बैंकिंग नेटवर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो इसका मतलब ये है कि हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं रोमन इकोनॉमी को, ठीक है। सो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वहाँ पे चीज़ों को मेंटेन किया गया था। लेबर का इशू बीच बीच में उठा, और स्लेवरी के लिए भी यूज़ के लिए जब बीच बीच में इशूज़ जो है वो खड़े हो गए थे। कंट्रोलिंग वर्कर्स, देखो स्लेवरी जो है ना मतलब बहुत ही डीपली रोटेड थे, चाहे कुछ बीच स्लेवरी नहीं हट सकती थी बिकॉज लोग जो है ना स्लेव को यूज़ कर रहे थे। देखो उस टाइम पे ना क्रिश्चियनिटी भी एमर्ज हो रही थी, बट स्टेट रिलीजन में, ठीक है। बट ये ना इन्होंने भी वर्कर्स को चैलेंज नहीं किया बिकॉज लोगों को ऐसा लग रहा था कि स्लेव जो है डैट इज़ समथिंग हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। सो इस चीज़ के लिए जो है वो लड़ाई नहीं हुई कभी भी, ठीक है। वॉरफेयर बहुत ही कम बढ़ गया था बिकॉज अब 1st सेंचुरी की तरह धीरे धीरे जो है यहाँ पे भी पीस एस्टेब्लिश हो रहा था, ठीक है। एक जो रोमन एग्रीकल्चर राइटर थे उन्होंने बोला कि जो लेबर है उसके मैनेजमेंट में उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रेट ध्यान दिया, जिनका नाम था कोलोमिला, ठीक है। सो ये 1st सेंचुरी राइटर थे जो कि स्पेन के साउथ से आए, और ये बोलते थे कि जो भी लैंड ओनर्स है ना उनको एक रिजर्व स्टॉक रखना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन और टूल्स का, ताकि जब स्लेव जाए तो वो इजीली जो है इन चीज़ों का यूज़ करके इजीली जो है और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। और ये भी बोलते थे कि इनको ना एक सुपरविजन के अंदर रखना चाहिए। कोलोमेला बोलते थे कि ना हम 10-10 का स्क्वाड बनाएं
और देखे कि कौन ज़्यादा अच्छा काम करता है, कौन पूरे एफर्ट डालता है और कौन साइज के अकॉर्डिंग काम करता है। वैसे दूसरे एक और सेंट है इनकी, प्रिनी एल्डर की, जो बोलते थे ना कि ये मतलब स्लेव ना रखनी नहीं चाहिए, बिकॉज उनको बहुत ही बुरी तरीके से रखा जाता है और मतलब नहीं रखना चाहिए उनका, बेसिकली बोलने का मतलब ये था। ठीक है, सो अब एक और चीज़ याद रखना कि ऐसा नहीं था इन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि अगर ऐसा था, ऐसा नहीं था, काफ़ी जगहों पे लोगों को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से रखा जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये लेट 5th सेंचुरी में जो एम्परर थे एनास्थीसियस, वो ऐसी बुरी तरीके से उनको ट्रीट करते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, काफ़ी जगह पे जो है वो उनको हाई वेजेस भी प्रोवाइड करते थे। देखो, वो हाई वेजेस उनको प्रोवाइड करते थे। सोशल हायरार्कीज, अब देखो जो टेकेटस थे ना, उन्होंने वो डिस्क्राइब करते हैं एक लीडिंग सोशल ग्रुप्स ऑफ द अर्ली एम्पायर एज फॉलोज, कि जो सेनेटेटर्स थे, ठीक है, वो लीडिंग मेंबर्स थे इक्वेस्ट्रियन क्लास के, वो मतलब जो भी रिस्पेक्टेबल सेक्शन सेक्शन है लोगों का, वो ग्रेट हाउसेस से अटैच्ड है। ठीक है, और जो लोअर क्लासेस हैं वो मतलब वो सर्कस और थिएटिक डिस्प्लेस, और फाइनली जो स्लेव्स, ठीक है, सो ये जो इनकी वो थी। ठीक है, कौन सबसे पहले सेनेटर्स, ठीक है, फिर जो मिडिल क्लास के लोग हैं और जो स्लेव्स है। ठीक है, देखो तो फर्स्ट टू ग्रुप्स है ना, यानी कि टिकेटिकस और इक्विट्स, ये बेसिकली ना अरिस्टोक्रेसी फैमिली थी, सो ये ना अरिस्टोक्रेट्स के अंदर आते हैं, और मिडिल क्लास वो लोग थे जो ना ज़्यादा गरीब थे ना ज़्यादा अमीर थे, बीच बीच के जो लोग थे। ठीक है, सो ये मिडिल मिडिल के थे, इसलिए इनको मिडिल क्लास बोला गया। ठीक है, और उसके नीचे आते हैं जो लोग बहुत ही ह्यूमिलरस हैं। ठीक है, और जैसे कि माइग्रेंट वर्कर्स, जो भी काम करने वाले लोग हैं, स्लेव्स, ये सब कुछ जो है ये इन लोएस्ट में, लो लेवल में आया करते थे। ठीक है, सो ये हायरार्की थी जगह की। लेट एंटीक्विटी, तो देखो लेट एंटीक्विटी इस टर्म का मतलब है फाइनल और जो फैसिनेटिंग पीरियड है एवोल्यूशन का, और जब जो रोमन एम्पायर है वो टूटने लग गया था। ठीक है, जो कि ब्रॉडली 4th टू 7th सेंचुरी के बीच का टाइम है। ठीक है, 200 सालों के बीच का टाइम है। सो कल्चरल लेवल पे ये जो जगह है, इसमें काफ़ी सारे डेवलपमेंट देखने को मिले, चाहे रिलीजियस लाइफ हो, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के साथ साथ इस्लाम भी जो है वो अब आ रहा था। ठीक है, जो एम्परर डेसोटेलन थे वो उन्होंने ये सब कुछ स्टार्ट किया, उन्होंने ओवर एक्सपेंशन करा, जिसकी वजह से जो डायसोलेटिन थे उन्होंने चीज़ों को काटना शुरू करा, उन्होंने जो बड़ी बड़ी लैंड थी उनको कम करना शुरू करा, ताकि वो अपनी जो छोटी इकोनॉमिक वैल्यू बट उस पर अच्छे से स्ट्रेटेजाइज तो कर सके एटलीस्ट, राइट। फिर जो सिविलियंस है और जो मिलिट्री फंक्शंस है उनको अलग अलग कर दिया गया, ऑटोनॉमी अलग हो गई, कमांडर्स को जो है मतलब मिलिट्री कमांडर्स की अलग ऑटोनॉमी कर दी गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, हाँ, जो डेसोलेटन थे वो ना ज़्यादातर फोर्टिफाइड और फ्रंटियर पे ज़्यादा वो बिलीव करते थे कि जो फोर्ट वगैरह है वो सबसे ज़्यादा बनने चाहिए, वो ना डिफेंस को ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे। ठीक है, उसके बाद जो आते हैं जिनका नाम था कॉन्स्टेनाइन, वो ना मॉनिटरी स्फेयर पे ज़्यादा वो करते थे, मतलब पैसे पे वो ज़्यादा, पैसे के लेके उन्होंने ज़्यादा चेंजेस करे। ठीक है, जो भी उन्होंने नई जो है करेंसी भी इंट्रोड्यूस करवाई, और अब नई रोम जो उन्होंने एम्पायर जो है वो बनाया। ठीक है, जिसकी वजह से लग्जरी की जो है वो ग्रेट सेंस बनने लगी, जो वेल्दियर लोग थे वो ज़्यादा पावरफुल होने लग गए पहले से भी ज़्यादा। ठीक है, इजिप्ट में भी ऐसे देखने को मिला मैं कि लेटर सेंचुरीज में जो एफिलेंट सोसाइटी है वो वही है जिनके पास पैसे हैं। ठीक है, जो ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर है और जो क्लासिकल वर्ल्ड है ग्रीक और रोमन का, वो पॉलीथीस्ट हो चुका था। ठीक है, मतलब अब लोग एक से ज़्यादा भगवान पे जो है वो पूजा करने लग गए थे, जैसे जुपिटर, जूनो, मिनेवरा एंड मार्स, सब लोग ना एक राजा से हटके काफ़ी सारे राजा पे चले गए, एक 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 भगवान से लेके काफ़ी सारे राजा भगवानों को जो है वो प्रे करने लग गए थे, टेम्पल्स, श्राइन्स वगैरह जो है चीज़ें बनने लग गई थी। ठीक है, और ऐसा जो बड़ा ट्रेडिशन हुआ वो था जुदाइज्म, क्योंकि जुदाइज्म आ गया और जो क्रिश्चियनाइजेशन था वो भी थोड़ा कम हो गया 4th और 5th सेंचुरी में। ठीक है, पॉलीथिज्म थे वो डिसअपेयर नहीं हुआ ओवरनाइट, उसका भी जो है एक लेगेसी रह गई लोगों के दिल में। फिर जो क्रिश्चियन
लाइटी थी, क्रिश्चियन लाइटी। अब उनको भी मतलब लोगों को अब फील हो रहा था कि जो क्लर्जी है वो मतलब ऑफिशियल पोजीशन के ये लोग हैं। सो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लोगों की वजह से जो लड़ाइयाँ वगैरह शुरू हो गई। तो जनरल प्रॉस्पेरिटी थी वो बेसिकली मार्क करती है कि ईस्ट जहाँ पे पॉपुलेशन अभी भी एक्सपेंड हो रही थी 6th सेंचुरी तक, वहाँ पे कोई ये चीज़ नहीं पड़ रहा था कि मेडिटेरियन में जो है वह प्लेग आ रहा है, वेस्ट में जो एम्पायर है वो कॉन्ट्रास्ट हो रहा था और कम होते जा रहा था। ठीक है, सो जो किंगडम थे उनको पोस्ट रोमन डिस्क्राइब कर दिया गया उस टाइम की किंग को। ठीक है, सो अरब डिस्ट्रॉय हो गए 1711 1720 में, जो फ्रैंक्स थे ठीक है और जो लॉम्बार्ड्स थे इटली में इस टाइम पे। ठीक है, सो इसकी वजह से जो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर आई। फिर जस्टिनियन आया, सो उसकी वजह से भी जो लोगों की प्रॉस्पेरिटी में डिफरेंट डिफरेंट फ़र्क पड़ा। ठीक है, सो इस्लाम धर्म का जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होने लग गया, अरेबिया ऐसी चीज़ें आई और जो ग्रेट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है वो आया हिस्ट्री के एंशिएंट वर्ल्ड में। ठीक है, सो जब प्रॉफिट मोहम्मद जी की डेथ हो जाती है तब ईस्टर्न रोमेन और जो ससानियन है उन्हीं का जो है मतलब उन्हीं का दोनों का जो ये एम्पायर था वो गिरने लग जाता है और लोगों को पता चल जाता है कि ठीक है अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो स्पेन की अब फ्लीट फेल हो जाती बढ़ने लग जाती है, सिंध और सेंट्रल एशिया की चीज़ें भी बढ़ने लगती हैं। ठीक है, जैसे हम सीन जो थीम 4 होगा यानी कि चैप्टर नंबर 4 होगा वहाँ पे वेरियस ट्राइब्स को और इन टेरिटोरियल एक्सपेंशन को पढ़ेंगे इस्लाम के पीछे जो की फैक्टर है। ठीक है, सो यस दैट इज इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल। आई होप यू लाइक डेट। सो यस, थैंक यू वेरी मच।